डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 11 की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की वर्कशीट 1 हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल्स। अब देखिए, ये हम एक हेक्सागन ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हेक्सागन क्या होती है? क्या होती है हेक्सागन? ए पॉलीनोमियल हुज विच हैज़ थ्री सिक्स साइड्स। हेक्सागन सिक्स साइड्स होती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ और एफ ए, तो ये सिक्स साइड्स हैं इसकी। तो इसको हमने ट्रेंगल्स में डिवाइड करके इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसके डायगनल ज्वाइन कर लेंगे, ये ए को डी से ज्वाइन कर लेंगे, सी को एफ से और बी को ई से, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, अब इसमें सिक्स ट्रेंगल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, हम इन ट्रेंगल्स को लेकर के हम इसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब ये है, सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंगल है हमारी, इन ट्रेंगल ए ओ बी, हमने इनको देखिए ये एंगल्स रिप्रेजेंट कर लिए। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया इन एंगल्स को ऐसे। तो अब देखिए, ये ट्रेंगल है, सबसे पहले हमारे पास ए ओ बी फर्स्ट ट्रेंगल। तो इस ट्रेंगल में देखिए, वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 180। देयर फॉर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 14, ये लिख लिया हमने किसके इक्वल, 180 के, ये नंबर 1 ले लेंगे। अब दूसरी ट्रेंगल आती है इन ट्रेंगल बी ओ सी, इसके भी थ्री एंगल्स हैं, एंगल 3 4 और 15, तो इसके भी थ्री एंगल्स का सम क्या होगा, 180। एंगल 3 प्लस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 180, ये नंबर क्या आ गया, 2। इसके बाद थर्ड ट्रेंगल है सी ओ डी, इसके भी थ्री एंगल्स हैं, इसके भी थ्री एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो एंगल 5 प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 180, ये 5 6 और 16 है, तो इनका भी तीनों का सम क्या लिख लिया हमने, 180, ये नंबर 3 आ गया। फोर्थ ट्रेंगल क्या है हमारे पास, डी ओ ई, इसके भी ये थ्री एंगल्स का सम हम 180 लिख लेंगे, एंगल 7 प्लस 8 प्लस 17, 7 प्लस 8 प्लस 17 इज इक्वल टू 180, ये नंबर 4 आ गया। फिफ्थ ट्रेंगल है ई ओ एफ, इसके भी थ्री एंगल्स का सम 180 लिखेंगे, तो एंगल 9 प्लस 10 प्लस 18, 9 प्लस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ये नंबर 5 आ गया। फिर हम ट्रेंगल लेंगे एफ ओ ए, सिक्स्थ ट्रेंगल एफ ओ ए, इसके भी थ्री एंगल्स का सम क्या है, 180, तो 10 11 प्लस 12 प्लस 13, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180, ये नंबर क्या आ गया, 6। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएंगी। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 14 ये ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 14, 1 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, 6 टाइम हम इसको राइट साइड में ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर ली, राइट साइड में राइट साइड। अब हम देखिए इकट्ठा करते हैं, 1 और 12 इकट्ठे हैं इसमें, हम क्या करेंगे, 1 और 12 इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ से 12, तो 1 प्लस 12 इकट्ठा लिख सकते हैं। 2 और 3 इकट्ठे हैं, 2 प्लस 3 ले लेंगे, 2 और 3। फिर 4 और 5 इकट्ठे हैं, 4 प्लस 5, ये 14 है, 4 प्लस 5 इकट्ठा कर लेंगे। फिर 6 प्लस 7 इकट्ठे हैं, 6 प्लस 7 इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से, 6 और 7। फिर 8 और 9 इकट्ठे हैं 8 और 9 इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से। फिर 10 और 11 इकट्ठे हैं, 10 और 11 को इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से। फिर 12 और 1 तो हमने ले ही लिया, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये मिडल के एंगल बच गए, एंगल 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, तो इन सब को हम प्लस कर लें, 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 इज इक्वल टू,
अब इधर राइट साइड में इन सब का सम आ जाएगा 1080 डिग्री। अब देखिए 1 और 12 दोनों का सम क्या है, एंगल ए है, इसकी जगह पे एंगल ए पुट कर देंगे। 2 और 3 का सम क्या, एंगल बी, 2 और 3 की जगह पे 2 एंगल बी पुट कर देंगे। 4 और 5 का सम है एंगल सी, सी पुट कर दिया 4 और 5 की जगह पे। 6 और 7 की जगह पे क्या है, एंगल डी है इनका सम, तो इसकी जगह पे एंगल डी लिख दिया। 8 और 9 का सम क्या है, एंगल ई, एंगल ई लिख दिया 8 और 9 की जगह पे। फिर 10 और 11 का सम क्या है, एंगल एफ, एंगल एफ लिख दिया। और ये जो 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 है, इन सब का सम क्या बनेगा, 360। इन सब का सम हमने क्या लिख दिया, 360 इज इक्वल टू क्या है, 1080, क्योंकि एक पूरा सर्कल बनता है तो पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए हमने इन सब की जगह पे 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 की जगह पे क्या पुट कर दिया, 360। अब इस 360 को इधर कैरी करो, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 1080 माइनस 360। तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 720। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन सब का सम क्या आ गया हमारे पास, 720। तो ये प्रूव हो जाता है कि इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन क्या होगा, 720। ये हम फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो यदि वेरीफाई करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन एन माइनस 2 × 180, यही फॉर्मूला है। एन क्या है हमारे पास, 6 है, 6 साइड्स हैं, तो इसमें 6 − 2 × 180, तो 4 × 180, 18 को 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है। तो ये फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा था कि बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रेंगल्स। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ साइड्स बाय यूजिंग फॉर्मूला एन माइनस 2 × 180। ये फॉर्मूला यूज करके हमें नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं, उनके एंगल्स फाइंड करने हैं पॉलीगन के। अब देखिए एन हमें फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, 12 साइड्स दिए हैं, 12 साइड्स दिए हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे 9 साइड्स दिए हैं, थर्ड नंबर पे क्या दिया है, 22 साइड्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का क्या फॉर्मूला लिखा है इसने, एन माइनस 2 × 180। एन क्या है हमारे पास, 12, नंबर ऑफ साइड्स 12 पुट कर दिया, 12 − 2 × 180, 12 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 10, 10 × 180 1800 डिग्री। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हूज साइड इज 12 इज इक्वल टू 1800 डिग्री। फिर 9 साइड्स के लिए एन इज इक्वल टू 9 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होगा, एन माइनस 2 × 180, एन की वैल्यू 9 पुट कर दी, 9 − 2 × 180, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 × 180 क्या आ जाएगा, 1260। तो ये 1260 डिग्री जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आ जाएगा हूज साइड इज 9। फिर 22 साइड्स हैं जिसकी, 22 साइड्स के लिए क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 22 लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन लिखेंगे एन माइनस 2 × 180, एन की वैल्यू 22 पुट करो, 22 − 2 × 180, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 × 180, मल्टीप्लाई कर दो 3600 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हूज साइड इज 22। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं।